हरिद्वार में उप जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण लगातार जारी है। औचक निरीक्षण के चलते अवैध खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। 3 दिनों की छुट्टी होने से खनन कारोबारियों को एक मौका मिल गया था, जिसमें अब उनको दिन रात अवैध खनन करना शुरू कर दिया था। ऐसे में उप जिलाधिकारी हरिद्वार अजय वीर सिंह की ओर से एक टीम गठित की गई, जिसमें खनन अधिकारी के संयुक्त रूप से हरिद्वार के लक्सर रोड पर औचक निरीक्षण किया गया। मौके पर अवैध खनन से लगे तो ट्रैक्टर सीज किए गए। अधिकारियों की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों भी मानना है कि यहां पर खनन को रोकना और अवैध खनन वालों का कार्रवाई करना बहुत बड़ी चुनौती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखिए, इस तरह की कई सारी शिकायतें लगातार ही मिलती रहती है यहाँ पर। मतलब खनन का क्षेत्र काफी बृहद तौर पर इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती रहती है, तो हम लोग भी बार बार इसमें कार्रवाई करते रहते हैं। कहीं कहीं जहाँ पे जैसा आप बता रहे हैं एक्सीडेंट होने की भी संभावना रहती है, तो उस जगह पे हम दोनों के द्वारा JCB से उसका भरान भी करा गया है। एक जगह इलेक्ट्रिक पोल की संभव थी जहाँ पे दुर्घटना होने के चांसेस, उसको ठीक कराया गया था UPCL से। तो निरंतर हमारे तौर से लगातार कार्रवाई करती रहती है। हम लोग लगातार रात को गश्त करते हैं और रेवेन्यू के साथ भी करते हैं। हमारे खनन विभाग की टीम लगातार गश्त में रहती है और आज हमें इधर बिशनपुर क्षेत्र में नटराज स्टोर के सामने 2 ट्रैक्टर भरे पाए गए, जिनको हम पकड़ के सीज कर रहे हैं। और आगे भी अगर जो भी हमें इस तरह के अवैध खनन मिले पाए जाते हैं, सब में कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा क्या कारण रहता है? ऐसा जो जहाँ भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम चेक करेंगे और चेक करने वाले कार्रवाई करेंगे। तो अवैध भंडारण भी अगर मौके पर मिलता है तो उस पर किस तरह कार्रवाई द्वारा की जाएगी? हमारे द्वारा कई अवैध भंडारों को भी जस्ट कुछ दिन पहले सीज किए गए और बहुत से जो ओवरलोड वाहन भी सीज किए गए। हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा संज्ञान जो भी आता है हम उस पर कार्रवाई करते हैं।